हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी सिंह। आप देख रहे हैं एसपी मैच चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम करा रहे हैं डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर गणित का हल, जो 29 जनवरी को कंडक्ट हो चुका है। तो आज पूछे गए सभी प्रश्न का हल सही थी हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, पहले वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में नौ का अपवर्तीय हैं। तो नौ के अपवर्तीय क्या होते हैं? नौ का पहाड़ा पढ़ लीजिए आप। नौ दुनी 18, नौ तीय 27 और नौ चौक 36। तो इसका आंसर हो गया ये। अब देखिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो की ओर। क्वेश्चन नंबर दो है, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या क्या थी? तो 30 और 40 के बीच जो अभाज्य संख्या पहली होती है 31 और फिर होती है 37। तो इसका विकल्प हो गया तीसरा सही। अब क्वेश्चन नंबर तीन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, क्या एक दो तीन के अनुपात में है? यदि उनका महत्तम सामर्थ्य 12 है तो ये संख्याएं होंगी। जब अनुपात में हो तो ये कांस्टेंट साथ में ले लेते हैं, यानी पहली संख्या हो गई x, दूसरी हो गई 2x और तीसरी हो गई 3x। अब देखिए, इन तीनों में जो कॉमन है वो x है, यानी x और मासा जो होता है वो कॉमन होता है, यानी x बराबर दे रखा 12। और जब हम 12 रखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 12, 24 और 36। तो इसका आंसर हो गया दूसरा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार क्या है कि किसी कक्षा में 30% बच्चों ने 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? तो ये निकालने के लिए 30 का 80% देखिए, 30 का 80% निकाल देते हैं यहाँ पे। तो 30 का 80%, 30 का गुणा और 80/100। अब इसको सॉल्व कर ले देंगे, 0 से 0 कट गया, तो 24 बच्चे इसमें पहला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर पाँच, 18% का भिन्न रूप है, तो 18% का भिन्न रूप निकालने के लिए बस परसेंटेज हटा के बटे में 100 लिख देना। अब इसको काटेंगे 2 से, 2 में 18 और ये हो गया 50। तो 9/50 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो आपको बता दें, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 100 होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर हम छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस तरह का लाल बटन होगा उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही आप ये दबाएंगे तो एक काला पड़ जाएगा और उसके बाद घंटी वाला बटन और आ जाएगा, तो आपको घंटी वाला बटन भी दबाना है। तो घंटी वाला बटन दबाने से क्या होगा, जो नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी। तो करते हैं, अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सात है, 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप याद कीजिए। तो 35 सेंटीमीटर वाले वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप कहो या परिधि, बात एक ही है। तो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr, परिधि कह दो या परिमाप, बात एक ही है, 2πr। तो यहाँ पे 2r जो कहलाता है वो व्यास कहलाता है, तो 2r व्यास कितना दे रखा है यहाँ पे हमें, 35 सेंटीमीटर। तो इसके स्थान पर मैं 35 रख दूंगा और पाई की जगह 22/7, तो 7 से काट देंगे, तो 7 × 5 = 35। तो 5 कि 22 से गुणा करेंगे तो 22 × 5 हो गया 110। तो कितने सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर, 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। तो 24/7 को दशमलव में बदलने के लिए आपको 7 से क्या करना है, 24 को भाग देना। तो इसे भाग देंगे, देखिए 7 × 21, 3 बचा, 10 लगाया, 7 × 4 = 28 और फिर 2 बचा, 2 की जगह फिर 7 लगाया, तो 7 × 2 = 14। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, दशमलव के कई स्थान तक निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने जो है दशमलव के 4 स्थान तक यहाँ पर निकाल के दिखाया। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? तो किसी तल पर एक रेखा में जो है असंख्य बिंदु हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा अनुपात बड़ा है? तो अनुपात बड़ा पता लगाने के लिए, तो ये देखिए 2/3 और इधर है 5/8। तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे, जिधर बड़ा हो जाएगा संख्या वो बड़ा हो जाएगा। तो 8 × 2 = 16 आ गया, इधर हो गया 5 × 3 = 15, तो 16 बड़ा है, तो इधर वाली संख्या बड़ी हो गई। यानी कौन सी बड़ी हो गई इसमें, ये जो हो गई 2/3 बड़ा हो गया। एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बचे? तो कप निकालने के लिए संख्या हमें करना क्या, 40 को ऊपर रखना, 60 को नीचे लिखना और गुणा में कर देना 100। इसे सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा, देखिए 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10। तो 40 × 5 = 200/3, कितना आ गया 200/3। और 200/3 को जब हम 3 से भाग देंगे तो इसे लिख सकते हैं 66 सही 2/3%। अब चलते हैं लघुत्तर क्वेश्चन की ओर। लघुत्तर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 18 ये दे रखा का मान याद कीजिए। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करते हैं पहले सबसे बोर्ड मास के रूल से। तो बोर्ड मास रूल से सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे छोटे ब्रैकेट में है 18 − 5। तो पहले हम बोर्ड मास के रूल से सबसे छोटी वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। तो देखिए छोटी वाली संख्या है यहाँ पर 18 − 5, तो 18 में से 5 घटाएंगे
आएगा आपका 12, ठीक है। और फिर 16 में से 12 घटा दीजिए, तो 16 में से 12 घटाएंगे आएगा 4, फिर उसके 14 में जोड़ दीजिए, 14 4 हो जाएगा 18, 14 देखिए 100, 18 में से 5 गए बचा 13 बचेगा यहाँ पे, 18 में से 5 गए 13। अब देखिए 16 में से फिर 13 घटाएंगे तो आएगा 16 में से 13 फिर 13 आएगा, ठीक है। और 13 दोबारा कर देता हूँ मैं इसको, देखिए यहाँ पे सबसे पहले छोटी वाली संख्या घटाएंगे, 18 में से 5 गए बचे 13, और ये 16 में से माइनस कर देना, 16 में से 13 घटाएंगे आएगा 3, और 3 को फिर 14 में जोड़ देना, तो 14 को 3 में जोड़ेंगे आ जाएगा 17, ठीक है। और लास्ट में जाके 18 में से 17 घटा देंगे तो आंसर कितना जाएगा इसका, 1 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नए पटरी और प्रकार के साथ है 90 अंश का कोण बनाइए, तो पटरी प्रकार के साथ 90 अंश का कोण बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक लाइन खींची जाती है, और यहाँ पे प्रकार की सहायता से ये इस तरह आँख खींचे दें, पहला आँख लगाते हैं 60 का बनता है, एक बार लगाते हैं फिर 60 का बनता है, फिर इन दोनों का अर्धा कर देते हैं और ऐसे मिला देते हैं, तो इस तरह से 90 अंश का कोण बन जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है, राम राम ने 300 रुपये का एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए, तो इसे करने के लिए 300 का 20% निकाल लीजिए पहले, देखिए 300 का 20% काफ़ी जगह गुणा लगा देते हैं, 20% का मतलब 20/100, तो इसे काटेंगे ये आ गया 3 और 20 60, यानी 60 रुपये का लाभ हो गया, तो इसका मतलब कितने में बेचा उसने, 300 का लाभ है तो उसे कितने रुपये में बेचा, तो कितना बेचा 300 + 60, यानी कि 360 रुपये का उसने इसको बेचा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था मैंने उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर दे रखा, जो 12वां क्वेश्चन था ये, इसको मैंने यहाँ भी हल किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे इसको सॉल्व किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हम आपको एक इन्फॉर्मेशन और जाएंगे कि हम शीघ्र ही लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर आप TGT PGT की तैयारी करना चाहते हैं या NDA कर रहे हैं या क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और आप शुरू से बिल्कुल तैयारी आपको करनी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए केवल आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करते ही आप इसे जुड़ जाएंगे, तो ये हम 10 फरवरी से रात्रि 9 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप याद कीजिए, हाँ ये तो हमने अभी बता दी, तो हो गया। हाँ अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 रहे, तो इसे बड़ी बड़ी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 49 में से पहली संख्या ये माइनस कर देंगे, उधर 59 में से कितना है 3 माइनस कर देंगे, और उधर 109 में से कितना है 5 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगी 48, और उसके बाद 58, और उसके बाद 103। अब देखिए हम इनका एलसीएम लेंगे, 109, 104 सॉरी, और 59 में से 3 गए 56 बचेंगे, अब हम इनका एलसीएम लेंगे, तो सॉरी मासा लेंगे, मासा क्या होगा, अब बचा यहाँ पर 48, 56 और 104, तो 48, 56 और 104, देखिए 48, 56 और 104 का मासा लेंगे, तो मासा लेंगे 2 से काटेंगे, तो 2 × 9 = 8, और 2 × 4 = 16, और 2 × 5 = 10, और 4, और फिर यहाँ पर देखिए 2 से कर देंगे 12 जाएगा, और ये 14, और फिर ये 27, एक बार और करेंगे तो कुल मिलाकर जो है इसका मासा यहाँ पर देखिए 8 इसका मासा आ जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 8, यानी वह छोटी सी संख्या 8 हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, तो 16वां क्वेश्चन क्या है, इतने का मान याद कि तो कैसे निकालना है इसको, एक ही स्थान पर बस -2 रख देना, तो एक ही स्थान पर -2 रखेंगे, इसे सोल्व कर लेंगे, एक ही स्थान पर -2 और -2, अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए 2 का वर्ग हो गया 4, 4 × 5 = 20 हो गया ये, और ये हो गया -4 × 8 और -2 सोल्व करेंगे तो ये आ गया 10, तो क्या। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो नीचे देखिए प्रश्न ये चित्र देखा, इनके उत्तर हमें देने हैं, तो यहाँ पर प्रश्न इसको देख लीजिए, यहाँ नीचे दिए गए चित्र को देखकर उत्तर लिखिए, तो उत्तर में देखिए इसमें क्या करना, इस सबसे पहले इसमें दिया हुआ तीनों त्रिज्याओं का नाम बताइए, तो तीनों त्रिज्याएँ कौन सी हैं, OA, OB और OC जो हैं, ये तीनों त्रिज्याएँ, तीनों जीवाओं के नाम लिखिए, तो जीवा कौन सी है इसमें, एक AB हो गई, एक BC हो गई, और एक AC, AB BC और AC क्या हो गई इसकी जीवाएँ हो गई, वृत्त के व्यास का नाम लिखिए, तो व्यास क्या हो गया, ये वाला इसका व्यास हो गया, केंद्र जो हो गया ये वाला इसका केंद्र हो गया O। अब देखिए क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, सलमा अपनी बहन रेशमा से 40 वर्ष बड़ी है, तो सलमा ये मान लिया, रेशमा ये, अब ये जो 10 वर्ष बड़ी है, तो सलमा कितनी हो जाएगी, अगर रेशमा एक्स वर्ष है तो ये हो जाएगी 10 + x। अब इसे देखिए अगर क्या कहा है, उन्होंने कहा
कि 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले का मतलब 4 इसमें से माइनस करना, 4 यहाँ से माइनस करना, कर दिया। ये जो सलमा की उम्र थी वो इसकी दुगनी थी, तो हमने 2 से यहाँ पर इस पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या करा, अब यहाँ अंदर एंट्री करी 2x-8x, यानी x का मान आ गया 14। तो अब देखिए x मान 14 आया, तो ये होगी इससे 10 वर्ष ज़्यादा है, तो कितनी कितनी उम्र हो गई उनकी, एक की उम्र होगी 24 वर्ष और एक की होगी 14 वर्ष, यानी सलमा हो गई 24 वर्ष की और रेशमा हो गई 14 वर्ष की। बस तो आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए SPMS चैनल पर बने रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।